हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव माइंड यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको बेसिकली ये वीडियो देख के बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन इसमें कुछ नॉलेज भी है दोस्तों। मुझे एक दो दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, जिसमें बोला गया था कि आपको 25 लाख रुपीज़ का जो अभी लॉटरी निकली है, और उसके लिए आपको किसी नंबर पर कॉल करना होगा। तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। मैंने उसको बाद में उनसे बात भी की है, वो भी आपको सुनाऊँगा। पहले वो रिकॉर्डिंग सुनिए जो मुझे आई थी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं कंपनी के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, आइडिया का ऑफिसर विक्रमजीत सिंह। सर आप जो ये आइडिया कंपनी का नंबर यूज कर रहे हैं ना, आपके इस आइडिया कंपनी के नंबर पर जियो कौन बनेगा महान करोड़पति की तरफ से आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है 2018 में। सर आपकी पूरी फैमिली को और आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई कहना चाहूंगा। सर मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी ऑल विद फैमिली को। सर ये जो आपका लॉटरी लगा है ना, एक्चुअली सर ये एलमन प्रमोशन किया था 2018 में, जिसमें आपके इसी सिम कार्ड पर सर आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है। सर सिम आपका आइडिया का है, लॉटरी जो आपका लगा है कौन बनेगा महान करोड़पति केबीसी की तरफ से लगा है अमिताभ बच्चन से। अभी सबसे पहले सर मैं आपको भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर सुंदर सिंह का नंबर लिखा रहा हूँ, आपका लॉटरी नंबर लिखा रहा हूँ। आप सर पेन और कॉपी उठाइए, नंबर नोट करिए, तुरंत बैंक में कॉल कर अपना 25 लाख का लॉटरी बैंक से कैश करें। सर नंबर लिखा रहा हूँ, नंबर है सर 0092। जी सर उसके आगे है 0092 के आगे 3451543599। मैं आपको नंबर टैली कर रहा हूँ 0092345153599। सर ये हमारे बैंक के मैनेजर सरदार सुंदर सिंह का नंबर है, आपका लॉटरी का नंबर है सर 065721। ठीक है, ये आपका लॉटरी नंबर 065721 है। सर अभी आपने व्हाट्सएप पे ही कॉल टोल फ्री करनी है, क्योंकि आपकी कॉल फ्री होगी। सर आपने ये बैंक के मैनेजर का नंबर अपने फोन में सेव करना है, सेव करके आपने व्हाट्सएप पे कॉल फ्री करनी है सर। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ से कॉल ड्रॉप करता हूँ आप तुरंत कॉल कीजिएगा सर। ओके सर, कॉल सुनने का बेहद बेहद धन्यवाद सर, हैव अ नाइस डे। दोस्तों इसके बाद जो उसने नंबर प्रोवाइड किया था उस पर मैंने कॉल की, और मुझे कोई ऐप नहीं मिली जिससे क्या हो सकता था कि कॉल रिकॉर्डिंग जो साथ में वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग दोनों हो सकती थी। तो मैंने उसको बोला कि यार नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुझे कॉल नहीं कर पा रहा, आप मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजो, उससे हम बात करेंगे। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। राइट हैंड साइड पर आपको वो नंबर भी मिल जाएगा, बहुत मज़ा आएगा सुनने में। तो चलो देखते हैं क्या क्या डिस्कशन हुई थी हमारे बीच। बोल के भेजो, आवाज़ नहीं आ रही। तो सर हमारा लॉटरी निकला था, मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उन्होंने आपका नंबर दिया था और लॉटरी के बारे में जानना था। सर आपका लॉटरी नंबर मेरे SBI बैंक में 25 लाख का चेक पहुंच चुका है। सर कौन से बैंक से मिलेगा ये चेक, ये पूछना था सर मुझे। सर जी सेंड कर दियो, मैं वेट कर रहा हूं, और चेक जेड़ा भेजे नु देख लो, देख के जल्दी सेंड करके कॉल करो। ये फेक चेक था जो उसने मुझे बना के भेजा था मेरे नाम से, और साथ में दोस्तों उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, बोला था कि ये सोनी टीवी भी आपका रात को टेलीकास्ट होगा आपके नंबर का, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो। नमस्कार, सोनी टीवी की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया मल्होत्रा। केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति में आपका स्वागत है। 5 मुल्कों की इंटरनेशनल लकी ड्रॉ से एयरटेल कंपनी, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, टाटा डोकोमो, यूनिन और वीडियोकॉम की ओर से 5,000 नंबरों की लकी ड्रॉ करवाई गई थी, जिसमें से 25 नंबर सेलेक्ट किए गए थे। 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की ऑफर की गई थी। इनमें से जो पहला नंबर सेलेक्ट किया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन से सामने। मोदी सरकार बनने की खुशी में 1 माह पहले लकी ड्रॉ करवाया गया था। अमिताभ बच्चन और मोदी सरकार ने जो नंबर सेलेक्ट किया वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जानकारी देने के लिए कंपनी डायरेक्टर विजय कुमार और MD विक्रम सिंह, ऑल टेक सिग्नेचर ऑफिसर, हेड ऑफिस कलकत्ता से। आपके करीबी में कोई भी भारतीय स्टेट बैंक हो या ICICI बैंक हो या PNB पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच से आप अपनी रकम क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए राणा प्रताप सिंह आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। केबीसी कौन बनेगा महाकरोपति के साथ साथ रहेगा। केबीसी कौन बनेगा महाकरोपति की ओर से प्रिया मल्होत्रा को दे इजाजत। मेरे जड़ी लॉसमेंट भेजी है देख ली है, तुसी कोई रिस्पांस ता दियो ना, मेरे बोल के भेजो। हाँ जी मैं देख लिया जी, फिर भेज दो ही खाते जी पैसे। मैं अकाउंट च रकम तो ट्रांसफर कर रहा, जबकि एक बैंक चो दूसरे बैंक च रकम ट्रांसफर करने की सिक्योरिटी के तौर पर चार्जिंग फीस आ रही है, तुहानू चार्जिंग फीस जमा करवानी पैनी, तुसी पे कर सकते हो। हाँ जी सर जी, चार्जिंग फीस तो दे देंगे जी, बैंक च खाते च पा दो पैसे जी। वीरे चार्जिंग फीस तुहानू पहले जमा करवानी पैनी, हर कस्टमर दे लागू आ।
चेक केबीसी के नाम से आ चेक थोड़े नाम तो रजिस्टर किया थोड़े नाम तो ऑनलाइन रकम ट्रांसफर कर रहे हैं एक बैंक चो दूसरे बैंक रकम ट्रांसफर करने की सिक्योरिटी के तौर पर चार्जिंग फीस है चार्जिंग फीस 13,150 तुहानू पे करवानी पैनी है। हाँ जी हाँ जी सर जी ये कितने करवानी पैनी है फिर सानू ये फीस ਵੀਰੇ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਆਫੀਸਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫੀਸਰ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸ ਸਰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਆਫੀਸਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਇੰਗਰਾਮ ਸ਼ੋਪ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਜ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਾਬਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਫੰਡ ਲੇਬਰ ਰਿਟਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀਰੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੋ 13,150 ਰੁਪਏ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਬਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ 13,150 ਹਾਂਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਭੇਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀਰ ਜੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਜਾਵੜ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੀ ਬਸ ਭੇਜੋ ਵੀਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਬੜੌਦਾ ICICI HDFC ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਆ ਬੈਂਕ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਇੰਗਰਾਮ ਸ਼ੋਪ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤਾਜ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਨੀ ਇੰਗਰਾਮ ਸ਼ੋਪ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੋਪ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਇੰਗਰਾਮ ਸ਼ੋਪ ਪੇਟੀਐਮ ਸ਼ੋਪ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲਵਾ ਪੈਣੇ ਆਪਣਾ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਂਟ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 25 ਲੱਖ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਢਵਾਉਂਗਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਏ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਸੀਦ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ
और वीडियो लॉटरी बारे बैंक वाले नु चर्चा शोबाजी नहीं करना, वो तो निकी जी बैंक का उन्होंने की पता है भी लॉटरी लगी है कि नहीं, दसना तो दस देना ठीक है तुम्हारी मर्जी है, पर लॉटरी बारे चर्चा नहीं करना बे बाकी मैनू रसीद सेंड करके कॉल करो, नहीं करवाने तुम घर चले जाओ, मैनू तो लालच नहीं है सर। नहीं सर जी वो अपना भरा ही है जी, सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ, वो मैनेजर जानता अपन चंगी तरह, एक पूछ लांगे कैसे ट्रांसफर करने। मैं कह रहा सी वीर जी अगर तुसी अपना ना लॉटरी बारे चर्चा शो बाजी नहीं करना, चुप करके अपने पैसे कढ़ाओ, चुप करके जमा करा के बाहर आ जाओ, छोटिया छोटिया ब्रांचा ने तुहाडी तो लॉटरी जियो कौन होगा महान करोड़पति केबीसी तो लगी, जे तुसी पुछना तो फिर केबीसी वाले नूं पुछो, चुप करके जमा करवा के वीर जी मैनूं कॉल करो, करवाने ठीक है नहीं तो तुहाडी मर्जी है, ये तुसी जिहड़े ते अपना 13,150 जमा करवा रहे नाल कंपनी ने टावर नहीं खड़ा कर लेना, गड्डी नहीं लै सकती, पूरी उम्र खा नहीं सकती है ठीक है, अगर 7,30,000 इनकम टैक्स मैनूं गौरमेंट का भर सकते हो तो फिर उन्होंने दस देना, तो ठीक है पहली गल तो उन्होंने पता ही नहीं उन्होंने तुम्हें कहना कि लॉटरी लगी नहीं, सीधी जी गल है के बीसी अमिताभ बच्चन तो सी जीते। सर जी मैं थोड़ी गल करा दिना जी बैंक मैनेजर के नाम, मैं थोड़ा फोन करता हूँ ना तो तुम गल करो। मैं उन्होंने गल नहीं कर सकता ठीक है, छोटे छोटे बैंक वाले ने उन्होंने गल नहीं कर सकता, तो इन्ना जो कह सकता भी तुम्हारा एक रुपया भी जोड़ा है ना वो सरदार के बच्चों वास्ते आराम है, मेरा नाम सरदार सुंदर सिंह है, पे करवा रहे हैं तो करवा दियो, लेकिन मैं उन्होंने गल नहीं कर सकता ठीक है, छोटे जी बैंक मैनेजर उन्होंने की हैसियत होनी है, नहीं तो तुम ना कराओ घर में चले। सर ऐ गल नहीं हो रही, व्हाट्सएप से फोन नहीं लग रहा, तुम वो नंबर दे दो ना मैं गल करवा देना। गल करा के की करोगे दसोगे, मैनू तुसी दसो की जानकारी चाहिए, दसोगे नहीं करवाने तो घर नू चले जाओ, अपना भी टाइम से कर रहे हो मेरा भी कर रहे हो, सर तुसी मैनू दसोगे की जानकारी चाहिए है तुहानू, नहीं पे करवाने तुसी रहन दियो, मिल गया सी उहदा आंसर दे दियो बस। ठीक है सर जी फिर मैं जाना ही, मेरा भरा कहिंदा ये गलत हो सकदा ही, नहीं तो बैंक वाले नाल गल कर लो, ठीक है जी फिर रहन दो जी। शाम 7:45 ते स्टार टीवी सोनी चैनल ते तुहाडी लाइव चलनी है, ये लाइव देख के मैंने जरूर कॉल करियो ठीक है, इन्हू देख लेना सोनी चैनल और स्टार टीवी से, तो मैं लॉटरी हूँ बंद कर रहा ठीक है, कदे तो आप वीर जी पिछे रह गए आप एक दूसरे की मानते नहीं, तुम्हें क्या मेरा नाम सरदार सुंदर सिंह है, वाहेगुरु की सोख आ के कह रहा थोड़ी लॉटरी लगी है, तो 1,50,000 भी सरदार के बच्चों वास्ते हराम है ठीक है, मैं लानत भेजता 10,000 से, ये वाहेगुरु का नानक गुरु का ना लैके पे करवा के लॉटरी कैश कर लो, ना किसी दल्ला चाहो तो ना नुकसान अपना करो। दोस्तों इंसान बिल्कुल झूठ बोल रहा है, नंबर पाकिस्तान का है, जो अकाउंट दिता वह पाकिस्तान का है, नंबर कोई उसफ हसैन ना दे बंदे का है, तो बिल्कुल फेक बंदा सी दोस्तों, तुसी इस तरह का कदे भी कोई पंगा ना लियो, तो मैनू लगता है कि तुहानू वीडियो बहुत वधिया लगी होगी, वधिया लगी है तो इसनू लाइक तो अपने दोस्तों नाल शेयर जरूर करियो, नाल दी नाल मेरे चैनल नू सबसक्राइब कर लियो, वीडियो देखने लई तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद।